हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आओ आओ ही डराओ ना पिट्टी, देखो बेचारी का पैरा में गिराए हैं सर। इधर आइए। क्या नाम है आपका? पायल। पायल जी, नाम तो बढ़िया है। आपके पिताश्री? मैं दस्सू किसान की बेटी हूँ। ओह, यानी आप दस्सू किसान की बेटी हैं? जी। लेकिन यहाँ इस चमन में क्या कर रही हैं आप? मुझे धोखे से लाया गया था। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ गए, मुझे धोखे से बुला कर लाए यहाँ पर। लेकिन ये बाजू सिंह आपका लगता कौन है? ये मेरे भैया लगते हैं। भैया? हाँ। दन्ने भैया, धन्य जनाना। जनाना नहीं, जमाना बे। वही जमाना, क्या जमाना है गया? एक भैया एक बहन। देखिए पायल, इस वक्त आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक जी। और आइंदा किसी के कहने पर आप बिल्कुल नहीं आना जी। अपने रास्ते जाओ, क्योंकि जमाना बहुत बुरा है। ठीक। आजकल का जनाना बहुत। अबे जनाना ही जमाना, कितनी बार कह चुका। अच्छा हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें देर हुई है। मेरा चश्मा। चश्मा जी फंडिल में पकड़ो। अच्छा बाय। नमस्ते। ओ जरा रुको राही, सुनो क्या है तुम्हारा नाम? ओ पिता आपके कौन है, कहाँ तुम्हारा धाम? दादर सिंह है मम पिता, पवन सिंह है नाम। पवन? और बिजनौर का हूँ रहने वाला, वही मेरा है धाम। ओ लाजी बचाई आपने, मानूंगी एहसान। ओ सही वक्त पर बनी करके भगवान। पायल जी इसमें नहीं किया कोई एहसान, और मैं तो एक इंसान हूँ, नहीं कोई भगवान। देखिए हर इंसान का, हर प्राणी का यही कर्तव्य और यही फर्ज बनता है कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत या किसी परेशानी में है तो इस इंसान को उस परेशानी उस मुसीबत से ही निकालना मनुष्य का सबसे पहला धर्म होता है। और मैंने अपने धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। भगवान नहीं, ये हनुमान है। पवन, क्या बात? आज तुम्हारी इसी अदा देखकर मुझे कुछ हो गया है। मेरा यही फर्ज देखकर आपको कुछ हो गया जी? तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर अपना अच्छे से इलाज कराओ। नहीं होगा। ठीक हो जाओगी। नहीं होगा। ठीक का है ना, हो इलाज, वही इलाज। पवन, ओ मानो कहना मेरा, मेरे प्यारे बलम मानो।
ना फिरती ना मुझी से दिखाओ बाला में मैं क्या करूं यार? पदा पीछे तुम दुटे आगे से बिटी वह दुटी है। मान जाओ ना राजा। कहाँ कहाँ? राजा बना कहो। राजा जानो तो ये कहाँ थी? किसको? राजा कहाँ थे? टेपरा का। हम सब टेपरा नहीं ना, हम सब राजा बाबू की नहीं है। नाम लेके बोलिए, इधर आइए। ये अपन बीमारी की दवाई। देखो हमें भैया से इधर उधर बात ना करो, हमें भैया पढ़े लिखे आदमी है। तुम्हारे भैया मुझे बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे आदमी। देखिए पायल जी, अगर मुझे पता होता कि आपकी असमत बचाने का मुझे यही नसीहत मिलेगा तो मैं आपकी आबरू और इज्जत कभी बचाने नहीं आता यहाँ पर। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया तो मेरी माँ भोजन नहीं करती है, क्योंकि मुझे अपने बंगले पर सही समय पर पहुँचना है। पवन, इट्स ऑल राइट, आई एम कैन गो। ठहरो। हमारे पवन, हमें भैया से सब बात ना करो। क्यों? हमें भैया वह लायक नहीं ना। क्यों क्यों क्यों? 6 महीना दवाई चल रही। दवाई चल रही है पवन, तुम्हारी बात नहीं मानोगे? कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। पवन, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ यार भैया, यार अगर बिटी हुआ कहा ना मानो, बिटी हुआ मर जाए और माँ कहा मानो। यार ऐसी लड़की मिली ना यार। महाबली, कहावत में कहा गया है कि पतझड़ में पत्ते गिरते हैं उठाता कौन है। हाँ, सही है। और मोहब्बत तो सब करते हैं लेकिन निभाता कौन? लेकिन ये लड़की दिलो जान से चाहती है। अरे नहीं यार, सब कहते हैं कि मर जाएंगे, कोई नहीं मरता है। ठीक है, बोल दो कि मर जाएं। इनके पीछे ना परेशान हो। क्यों? अगर हमसे काम हो तो हमको बताओ। तुमसे काम नहीं है, अगर तुम्हारे भैया से कुछ काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें दूंगी। तेरी कहने को मतलब तू हमें भैया से टावर पकड़ ले, हमहू को दे हो। दूंगी। दे हो। हाँ। तब तो हम तोरिन कहती बोला। चक्कर चलाइए ना। अरे हम पूरा ट्रैक्टर चला दे भाई। चक्कर यार भैया, ट्रैक्टर चलाओ अपन। ट्रैक्टर नहीं, जिसी भी चला दूंगा मैं। सुनो, लगे से बताई थी। बोल यार, बिटीवा कहा थे कि भैया का अपने मना दियो, तुमका देव है तो तू मुझे मनाएगा। मान जा यार, तू मुझे मनाएगा। मैं हाथ जोड़े यार, गोड़न गिरी यार, भैया मान जाओ। अच्छा, हाँ, तेरे कहने से मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। लाइफ नहीं, ऐसी लड़की मिलेगी नहीं दोबारा। अच्छा, आपका टावर पकड़ाओ तुरंत। तो तू ही अपना टावर पकड़ा ले। हमसे नहीं पकड़ा, तुम पकड़ा ले तो हमको दे। बुलबुल चहकती है कचहरी के सामने और लंगड़े को कौन पूछेगा दशहरी के सामने। वो बात सही है भाई, कहाँ दशहरी कहाँ लंगड़ा। हमका देगी, दिएगा कहे है कि क्या देगी। कहा दिए भाई, क्या देगी, ये भी तो पूछा होता। या तो नहीं पूछ, पूछ गया क्या देगी। क्या है, मान गए? मान गए। अब बताओ हमका का दिया। हाँ। मैं तुम्हें बताऊं क्या दूंगी। क्या दोगी? कल मेरे कॉलेज में 15 अगस्त है। हाँ? कल लड्डू बटेंगे, मैं तुम्हें 2 लड्डू दूंगी। हम तो उम्र कुछ सोच रहे हैं कि जिंदगी में कम से कम पहली बार मुलाकात तो हो जाए। भैया कल पायल के स्कूल में 26 जनवरी है तो लड्डू मिलेगा, तो वही लड्डू बटेगा, तो हमका 2 लड्डू दे और खा के पानी पी लेना। पानी पी के सो जा। महावली, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से अपने बंगले पर चलो, वरना पिताजी वेट करते होंगे। भैया हमें ना मनी, हम सब जाए। मैं सच में मर जाऊंगी पवन। अरे तुम मर जाओ, मुझे यकीन नहीं है। ठीक, मुझे तुम्हारी कसम, मैं सच में मर जाऊंगी। देखिए, मुझे इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं। हमारी बात पे विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं पवन, मैं तुम्हारे सामने मैं अपनी जान दे दूंगी।
मर जाओ। बिट्टी बाए क्या है? क्या करी हो? मैं मरनी जा रही हूँ। ना मरो ना यमो, मर जा बे। तू क्यों मरेगा? तुम मत मरो भैया, मान जाओ ना यमो, मर जा बे। आखिर तू क्यों मरेगा? बिट्टी पायल हमको बहुत अच्छी लागा दी। अच्छा हाँ, जब उनका थी मान जाओ पवार। अगर पायल मरनी जा रही हूँ, अगर इस धरती पे पायल नहीं रहेंगे तो हम नरा बे। एक मुसीबत से कम छुट्टी तो मिलेगी। मर भैया, भैया तुम मत मरो। अगर मैं तुम्हारे भैया के साथ नहीं रहूंगी, कम से कम तुम तो अपने भैया के साथ रह सकती हो। जब आप नहीं रहोगी पायल तो हम भी नहीं रहेंगे। मैं समझूंगी, जैसे तुम अपने भैया के साथ रहोगी मैं समझूंगी मैं रह रही हूँ। नहीं नहीं, जब तक तुम जिंदा हो तुमको देख के पायल हम जिंदा। रुक जाओ, कहाँ मरी हो? इसे दुई, अरे राम और ढाई भी तक है। एक तो ये भी ढाई भी तक है। ढाई भी तक कहाँ? मैं मरने तो जा रही हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं इसे कहाँ मारूं। तुमको नहीं पता कहाँ? मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं इसे कहाँ मारूं कि मैं मर जाऊँ आसानी से। पायल हम जाने थे जहाँ मारे का है। तुम जानते हो? हाँ। तो बताइए ना मैं ऐसी जगह मारो ना पायल। कैसी जगह? खून ना निकल आए। क्या? किस जगह मारेंगे तो खून नहीं निकलेगा? हम बात कर रहे हैं तुमका कहे नहीं, किस जगह मारेंगे तो खून नहीं निकलेगा। कहे का मतलब मुहे की डाल लिए खून ना निकली, पेटे में मरिए खून निकली आई, ये वजह से मुहे में डाल लिए खून निकलबे नहीं करी। मरने वाले इतनी देर तक बातें नहीं करते हैं भैया, मान जाओ ना। अब तक तो कब के मर जाते हैं। ना मनियो ना, ना मनियो तो मुंह मरे। पायल तुम यहाँ खड़ी हो, जैसे तुम गिनती गिनियो हम मर जा पाए। पवन भैया नंबर ए, नंबर दो जल्दी हो जाएगा। जल्दी वाला काम नहीं है, हम लोग आराम से मरे। कम से कम पवन तुम्हें देखते देख के मरूंगी मैं। नंबर एक, नंबर एक मान जाओ ना भैया, मान जाओ। ये रहा नंबर दो, ये रहा नंबर दो। ठहरो अभी एक बार और पूछ लेते हैं। पवन मैं सच में मर जाऊंगी। ये रहा नंबर दो, ये रहा नंबर तीन। धन है मेरा भैया। ये सच में मर जाती यार, ये सच में मरने जा रही। काहे बचाए हो हमका, सबका मर जाए दे तुम। पायल का बचा लियो, हमको बचाओ, पक्के मेहरा हो तुम। मैं मेहरा नहीं हूँ। अगर यहाँ पर पायल मर जाती तो यहाँ पर बसता कौन कौन? हम बसते यहाँ पर, और इस समय 100 नंबर बहुत अलर्ट चल रही है, कोलिया कोलिया घूम रही। आने के बाद यहाँ पर किसको पाती? हमको पाती, आपको पाती, और ले जाकर कारागार में बंद कर देती तत्काल, और सारी जिंदगी जेल में चक्की। इसको पकड़। अब क्या हुआ? पवन मुझे मर जाने देता, तुमने क्यों बचाया मुझे? पायल मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी लाइफ तुम ही हो। सच? मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहते? देख रहे हैं हम, हमें लगता है कि हमारी लाइफ दादा हैं। दादा आओ हमसे, तुमसे टावर। तो प्यार पायल तेरा मुझको स्वीकार है, गले से तुझे मैं लगा लूं अभी, और प्यार करके कभी धोखा देना नहीं। प्यार करके कभी धोखा देना नहीं, वरना तेरा दीवाना ये मर जाएगा। प्यार करके पवन में कहना क्या चाहती हूँ? क्या? तो खा कसम के रही मैं तो भगवान की, साथी छोड़ू नहीं मैं तो सातो जन्म, ओ चाहे दुनिया इधर से उधारी हो चले।
कहे दुनिया इधर से इधर हो चले, प्यारी करके कभी धोखा दूंगे न। समझ गए ना, फुल टावर पकड़ रहा है, ऐसा कुछ है भैया। महाबली हाँ, अब तुम यहाँ से जाओ बंगले पर। बंगले पर? तुम बंगले पर जाओ और मैं पायल के साथ थोड़ा सैर करके आता हूँ। ठीक है, तुम पायल के साथ सैर करके आओ, हम चल रहे हैं बंगले पर। पापा पूछिए भैया कहाँ है बता दे। क्या? अरे पूछिए कि भैया कहाँ है बता दे कि इस समय सिटिंग में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है? बता देना कि आ रहे हैं, पीछे हैं। ठीक ठीक बता दे भाई, आगे वेट करना मेरा, मैं जल्दी आ जाए। भी दो तीन बीघा पावन, क्या बात है पायल? ओ तू दीवाना पागल मेरा हो गया, ओ तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में खो गया। मेरी माँ घर पर वेट करती होगी, इसलिए मुझे देर हो रही है। मैं फिर आपसे बाद में मिलूंगा, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पवन मुझे भी देरी हो रही। कहते हैं कि इश्कबाजी करो तो जान की बाजी करो, जी पवन। आप भूखे रहो लेकिन मासूक को राजी करो, इश्क में इबादत का मजा मिलता है, और अगर इश्क सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। पवन
इसलिए पायल जी आपसे कहना है, और ऐसी एक बात बोलकर जाऊंगा जो कि हमारे प्यार के हर एक मोड़ पर काम आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? इश्क़ में एक पल की ये जुदाई लगती है एक साल, तेरी कसम तेरे प्यार में पायल मेरा हुआ। महाबली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ जाने हो है? यार अबे तो हम कुछ नहीं जाने। अरे बाल दैया, महाराज का लड़का। महाराज का लड़का? हाँ, बाजू सिंह। बाजू सिंह कहा होएगा उनका? अरे यार, दसु किसान की बिटिया के ऊपर दिलो जान से चाहत है। औका पायल का वही की याद में यार, दारू पिए लाग। दारू पिए लागे? हाँ यार, वही की याद दासी में। वही की याद दास में जब दारू पी ले ना, तो कही आओ मेरी जान पायल। और कुछ जाने है? हाँ? यार हम नहर में पानी लगाए रहे, नहर बस खेते में। अच्छा, हर वहां से वही मेड़ बांधत रहे, कहा पानी जाए ना पावे। हाँ, आगे करना जाए। उधर वाल दारू पिए चला आवे, हमका देखी तो कही आओ मेरी जान पायल। मोर भैया अरुहा फरुहा छोड़ के हमका भागे दे। भागे दे? पायल की याद में परेशान है, का चले जाएगा। इधर वो हाय रहा है यार। वाह, और कुछ सुने हुए? और का बात है? और का है? अरे यार पवन भैया,
अच्छा अच्छा मंत्री दादर सिंह के अच्छा मंत्री दादर सिंह के बेटवा पवन का भाव हो पायल का दिलो जान से चाहे लागे वही मन दिलो जान से एक मतलब प्यार मोहब्बत होएगा प्यार मोहब्बत हो लेकिन हमका तुमका का करेगा यार बोलते रहन कि हम चले आए हैं यार हमसे यार महाराज के लड़का के देखो वह दारू पिए लुंडियान आ रहे हैं वही है का बोतल लगाए चले आओ आओ भाई ड्यूटी पे लगाओ नहीं खाल खेल के सारे भूसा भरवाए दे सही नशा मुहैया है आओ लग जाओ भाई ड्यूटी रामबली और महाबली मैं पायल की याद में शराब पीना शुरू कर दिया। अच्छा ये बताओ तुम भी पियोगे शराब? लंबरदार हमका ना पियाओ। अरे इसे पीने से सारा गम दूर हो जाता है। नहीं हम नहीं पीते हम जय गुरुदेव में भरती हैं। अरे थोड़ी सी लगा लीजिए। अरे नहीं तो क्यों झूठ बोलता है? तेरी माँ तो कहती थी कि मेरा बेटा इस वक्त बहुत शराब पीता है। अरे नहीं साहब हम दारू छोड़ देना। पी लियो यार कहा तो पी लियो। अरे थोड़ी सी पी ले रे। मान लियो एक पी ले नशा वसा चढ़ जाए। अरे नशा का पे घर है चले जाए दूसरे घर है नशा चढ़ जाएगा। मगर एक बात है अगर पियाओ मान लियो नशा चढ़ जाए तो भाई नशा हमार उतारियो दी हो। ठीक है रामली। नहीं मान लियो जाएगा पे घर है चले जाए तुम्हें घर है। ठीक है नशा मैं उतार दूंगा ये लगा ले थोड़ी सी। यार गंधा तो है नखना बंद करके पी लिया यार। ले यार चंदन जाए रघुनंदन ले मुहे के पीलीन जाए है ना काहे और कौन पिए जाओ। नहीं कबो कबो नखुनो के पी ले थे मुहे के पियो नखुना के ना पियो। महाबली तुम भी पियोगे शराब? नहीं मालिक हम आज एक हफ्ता से पुनवासी नहा रहे हैं। तो झूठ बोलता है। अरे इसमें पुनवासी नहीं लिया जाता रे। पुनवासी नहीं हाँ, हाँ, थोड़ी सी लगाओ देखो क्या मजा आता है। लाओ अच्छा नहीं मानते तो पिलाओ पिलाओ फिर। अरे पिलाओ। अरे यार क्या यार एक पैंट और बनवाओ यार। रामबली कि हम है कि तुम हो न हम कम है न तुम कम हो। अरे यारी की है यारी निभाने पीले पीले हो मोर राजा पीले पीले हो मोर जानी। पानी में मिले तो लगे पानी जैसे जिसमें लगे तो जवानी जैसी पानी में मिले तो लगे पानी जैसे में लगे तो जवानी जैसी ये रही सी है खानदानी पीले पीले अमर जलाया।
जाम बली देखा तो साले को मौज में आकर अपनी मौत को भूल गए। अरे साले महाबलिया, अरे साले बलिया कुत्ती बोल रही है। महाबलिया, अरे साले हरामी निकी बोल रही है। अबे चल गांव में चला जाए। अरे वो बलिया क्या कहनी चाहती है? अबे साले महाबली बोल, तू की बोलती होती होंगा होती होंगी। साले मैं महाबली बोल रहा हूँ। ओ साले तू महाबली बोलता है? तो कौन बोल रही है? अबे महाबलिया बोल बे। चल बे साले गांव में चला जाए। क्या करने? मेहररुए सोवत हुई है, मेहररुवन के बार काट के सवेरे गुब्बारा खरीदा जाए। गंधेला तो यारे चूतिया आदमी है। चूतिया वहाँ नहीं जाएंगे। फिर आओ चलने बगिया की तरफ। बगिया? अबे साले बगिया क्या करने जाएगा? मेरे रुए चट्टी गए हुए हैं, लुटिया लेके भागे। अबे साले लुटिया बेच के आता तो साले गंधेला है। अबे साले बाजू सिंह, चल साले जरा, तू कितना बड़ा गुंडी हो गई है बे। क्या बोला, क्या बोला साले? तो साले हमसे बड़ा गुंडी हो गए हैं। अबे बाजू सिंह बोल बे, अपनी हवेली की कीमत बताओ। देखो तो साले को थोड़ी सी पी लिया, कहता अपनी हवेली की कीमत। अपनी हवेली की कीमत बताओ। कितना पैसा चाहिए? पैसा लो। हवे साले अपनी हवेली की कीमत भी नहीं बता रहा। नहीं बताएगा साला ये। अपनी हवेली की कीमत नहीं बता रहा, कम से कम अपनी बीवी की कीमत बताओ। हरामखोर, हरामखोर। अबे तू नहीं जानता कि किससे बातें करता। अबे ज्यादा ऊंची आवाज में बात किया तो उतारूंगा 50 मारूंगा बे। अबे अबे साले, अबे तुमने अपनी बीवी की कीमत नहीं बताया। नहीं बताएगा। कम से कम अपनी बहन की कीमत बताओ। महाबली उतारी गए, उतारी गए। तुम जानते हो उतारी गए यार। तुम जानते हो कि मेरी माँ दुर्गा माँ की पुजारण है यार। कुछ कहा? मैं बचपन से शराब पीता हूँ और रामबली और महाबली आज अपनी माँ से 50,000 रुपए लूंगा। 50,000? 50,000। और चलूंगा किसी अच्छे ढाबे पर भोजन करेंगे, जो पैसा बचेगा जो पायल को दिखा दूंगा तो पायल कहेगी और राजा यहाँ पे यार हमका दारू पिया दे, हमारा नशा को नहीं उतारी। नशा उतार गए जब दो तीन झापड़ पड़े तो खुद ही उतर गए। यही में तो उतारता है नशा। वही तो पहले हम बता दी हमें नशा चढ़ जाए तो उतार दी हो। रामबली हैं देखो, ये महाराज के लड़का है। महाराज के लड़का ही आज दिन तेरी रात दरबार में कभी दारू छुई नहीं, छुई नहीं गया यार। यार दारू पी रहे हैं। आवाज महाराज के लड़का दारू पी रहे हैं। बताओ मगर एक बात जान लियो, अगर राजमाता जान गई हमका तुमका रामबली महाबली मिलके राजकुमार बाजू सिंह का दारू पियावत रहे तो खाल खींच के भूसा भरा दे हैं। बात वहाँ मऊता है। ऐसा करो ये दारू जल्दी पी डाओ, नहीं है फेंकवा दियो। अबे राज माता गई है दुर्गा माँ की पूजा करे। अबे पूजा करे गई हैं, आवत हुई हैं। आओ जल्दी एका फेंको। हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।